नवी मुंबई नेटवर्क। कसम है बढ़ता बढ़ता मर्ज कहता जाए, हारना तो दिल का धर्म है। ना तू कोई ऐसा वैसा जो तुझे को नजर ही आए, ना है कोई तेरे जैसा, तेरा है मैदान तेरा रंग तेरा आईना। सब जान क्रिकेट को मान्यता दिलवाने 240 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स 16 टीम्स के साथ एरोली के प्रथम विधायक संदीप नायक की संकल्पना से साकार आईपीएल टी20 की तर्ज पर 4 से 8 जनवरी तक आयोजित ग्रैंड एनएमपीएल 2023 सीजन 4 का शानदार समापन समारोह एरोली के विधायक गणेश नायक और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विस्फोटक बल्लेबाज जेमिमा रॉड्रिक्स की मौजूदगी में सम्पन्न हुआ। संदीप नायक के माध्यम से आयोजित इस एनएमपीएल 2023 के समापन समारोह में पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव नायक, पूर्व महापौर सागर नायक, सुधाकर सुनावी, पूर्व विरोधी पक्ष नेता दर्शन भगत, पूर्व नगर सेवक आनंद सुतार, संपर शिवाली, सूरज पाटिल, मुनावर पटेल, अमित मेड़कर, युवा नेता संकल्प नायक आदि तमाम मान्यवर मौजूद रहे। बता दें कि नवी मुंबई के इस सबसे बड़े ग्रैंड एनएमपीएल 2023 सीजन 4 का फाइनल मैच साई प्रसाद गोठीवली वर्सेस जय मल्हार फाइटर्स अग्रोली के बीच रहा। इस मैच की शुरुआत के पूर्व इस पल को बेहद ऐतिहासिक बनाते हुए डे आउट फाइनल मैच आकर्षण का केंद्र बिंदु बनकर साबित हुआ। एरोली के विधायक गणेश नायक जब मैदान पे पहुंचे तो अपने जोशीले अंदाज में टॉस उड़ाकर फाइनल मैच की शुरुआत की गई। इस दौरान इस कड़े मुकाबले में जय मल्हार टीम ने 10 दौड़ से मैच जीतकर एनएमपीएल 2023 चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम दर्ज करवाई। संदीप नायक द्वारा आयोजित इस भूतोना भविष्य विशाल एनएमपीएल 2023 की फाइनल मैच का गवाह बनी जेमिमा रॉड्रिक्स खिलाड़ियों के इस धुआंधार परफॉर्मेंस देखकर बेहद प्रभावित नजर आए। वहीं नवी मुंबई का सबसे बड़ा और सबसे यूनिक प्रीमियर लीग के विजयी खिलाड़ियों और विजयी टीम को गणेश नायक के हाथों चैंपियनशिप ट्रॉफी देकर और विभिन्न प्रकार के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जहां विजेता टीम जय मल्हार फाइटर्स अग्रोली को अनोखे ग्रेफाइट धातु से बनी एनएमपीएल 2023 की चैंपियनशिप ट्रॉफी 2,00,000 रुपए के कैश प्राइज से सम्मानित किया गया। रनर अप रही साई प्रसाद गोठीवली टीम को 1,50,000 रुपए के कैश प्राइज से सम्मानित किया गया। वहीं दोनों ही टीम को बाइक देकर सम्मानित किया गया। वहीं मैन ऑफ द मैच से रितांशु पाटिल और नितिन सुतार को सम्मानित किया गया। बेस्ट बॉलर जय मल्हार फाइटर्स अग्रोली के नितिन सुतार को सम्मानित किया गया। बेस्ट फील्डर के तौर पर साई प्रसाद गोठीवली के स्वराज मात्र को सम्मानित किया गया। बेस्ट डेब्यूटेंट जय मल्हार फाइटर्स अग्रोली के सुशील दागपाल को दिया गया। इमर्जिंग प्लेयर्स साई प्रसाद गोठीवली शिबू माथाई को दिया गया। वहीं बेस्ट बैट्समैन से तुर्बे के नमित पाटिल को सम्मानित किया गया। वहीं मैन ऑफ द सीरीज से जय मल्हार फाइटर्स अग्रोली के प्रथमेश ठाकरे को सम्मानित किया गया। एनएमपीएल कमिश्नर दीपक पाटिल, स्वप्निल नायक और उनकी पूरी टीम को गणेश नायक के हाथों एनएमपीएल के सफल आयोजन के लिए सम्मानित किया गया।
गौरतलब है कि जेमिमा रॉड्रिक्स ने संदीप नाइक द्वारा आयोजित NMPL को ह्यूज सक्सेस करार देते हुए कहा कि नवी मुंबई करों का क्रिकेट के प्रति एक पैशन है, खिलाड़ियों का जुनून ही उसकी सफलता की गवाही दे रहा है। लव एंड द अफेक्शन एंड द पैशन नवी मुंबई हैज फॉर क्रिकेट, आई डोंट थिंक आई हैव सीन इट एनीवेयर एल्स, सो या इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग। गणेश नाइक सर सेड दैट नेक्स्ट ईयर वी आर गोना हैव द वुमेन्स नवी मुंबई प्रीमियर लीग, आई थिंक देयर इज नो बेटर साइट एंड डेफिनेटली इफ आई एम अवेलेबल आई विल डेफिनेटली कम टुवर्ड्स दैट। संदीप नाइक सर ने जो किया है वो इधर ग्राउंड पे जितने लोग आए हैं उससे ही पता चलता है कि क्या सक्सेस ये टूर्नामेंट ने लाया है। एंड नॉट जस्ट दैट बट मैंने ये भी बोला था कि क्रिकेट इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्लेयर्स, इट्स अबाउट द क्राउड, जो पैशन है। आई थिंक हम सब साथ में मिलके क्रिकेट को एक नेक्स्ट लेवल को लेके जा सकते हैं और वो हो रहा है इधर, तो हैट्स ऑफ टू संदीप नाइक सर फॉर सच अ अमेजिंग टूर्नामेंट एंड द सक्सेस ऑन दिस टूर्नामेंट। आई थिंक दिस टूर्नामेंट इज नॉट लेस देन एन इंटरनेशनल टूर्नामेंट और एन IPL ओवर हियर, बिकॉज द कम्पेटिटिवनेस, आई थिंक द काइंड ऑफ मैचेस देव हैड एंड ऑल्सो there was like live stream and you know players also got a mic on the field where we usually hardly get to see it in international games it happening here, so I think yeah it's a great tournament. NMPL 2023 se prabhavit hote hue Ganesh Naik ne kaha ki antarrashtriya star par aayojit is cricket tournament ka future बेहद ब्राइट है और इसीलिए महिलाओं के लिए भी भविष्य में NMPL का आयोजन करने की उनकी संकल्पना है। एकूणच वातावरण बघता ना लोकांमध्ये उत्साह आहे, पुढच्या वर्षी ही स्पर्धा होईल तेव्हा पुरुषांच्या बरोबर महिलांची सुद्धा स्पर्धा भरवली जावी अशी मी अपेक्षा व्यक्त केलेली आहे। आणि नवी मुंबईतल्या खेळामध्ये टॅलेंट असलेल्या तरुणांना तरुणींना भविष्यकालामध्ये तालुका स्तर, जिल्हा स्तर, राज्यस्तर, देशस्तर आणि देशाच्या बाहेर जाण्याकरता सुद्धा ही नवी मुंबई IPL कारणीभूत ठरेल। हे आयोजन होतं हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या मॅचचं होतं, एकूणच त्या ठिकाणी खेळाडू बाद झाला न झाला त्याचं पुनर् त्या ठिकाणी तिसऱ्या अंपायरच्या मार्फत संपूर्ण निरीक्षण करून त्या ठिकाणी रिझल्ट दिला गेला। चार कॅमेरा चारी बदल लावले होते, एकूण जो रोब होता रोब ॲम्बियन्स हा निश्चितपणे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचाच होता। NMPL ही आता अतिशय ब्राईट होत जाईल, प्रकाशमान होत जाईल, तिला लोकांचा पाठिंबा मिळत राहील, खेळाडूसुद्धा जास्त मोठ्या प्रमाणात सहभाग होतील आणि नवी मुंबई प्रीमियर लीग ही जी स्पर्धा आहे ही दिवसेंदिवस म्हणजे वर्षाने वर्षाने कणाकणाने प्रकाशमान होईल। NMPL के विजनरी मैन संदीप नाइक ने NMPL की सफलता को टीम वर्क करार देते हुए कहा कि यह प्लेटफॉर्म सामाजिक संदेश देने में सफल साबित हुआ है। वहीं उभरते खिलाड़ियों को मजबूत प्लेटफॉर्म देने के लिए अगले साल NMPL का अंतर्राष्ट्रीय सरजमीन पर आयोजित करने में वे प्रयत्नशील रहेंगे। अपेक्षा प्रमाण या पूर्ण स्पर्धे आज सांगता झाला, बक्षीस समारंभ पार पडला, जे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवलेलं ते होतं की नवी मुंबईमधील खेळाडूंना त्यांच्या हक्काचं असं व्यासपीठ मिळालं पाहिजे, संपूर्ण राज्यातील देशातील जे प्रतिभावान खेळाडू आहेत त्यांच्यासोबत खेळणं, त्यांचा खेळ बघणं आणि त्याचबरोबर टेनिस क्रिकेट ह्याला देखील एक वेगळा असा दर्जा मिळाला पाहिजे आणि हे उद्दिष्ट कुठेतरी पूर्ण होतं आहे असं या ठिकाणी या स्पर्धेच्या शेवटच्या दिवशी त्या ठिकाणी आम्हाला वाटू लागलं। अजून येणाऱ्या दिवसांमध्ये या टेनिस क्रिकेटला योग्य असं स्थान मिळून देण्याकरता आम्ही सगळेजण प्रयत्नशील राहणार आहोत, खेळणारे जे खेळाडू आहेत त्यांचं देखील योग्य असं करिअर घडलं पाहिजे, या खेळाला एक योग्य असा दर्जा मिळाला पाहिजे, त्याकरता ही स्पर्धा नक्कीच मददगार ठरणार आहे। ज्या सगळ्या टीम खेळल्या त्या सगळ्या नवी मुंबईतल्याच होत्या, स्पर्धा ही शेवटच्या टप्प्यापर्यंत यावी, शेवटच्या बॉलपर्यंत यावी आणि स्पर्धेचा आनंद प्रत्येकाने घ्यावा अशा प्रकारची अपेक्षा असते। प्रत्येक संघाने आपलं जीवाच्या बाजीनं त्या ठिकाणी म्हणजे जीव तोडून सगळेजण खेळलेले आहेत, नवीन आलेले प्लेयर, सिनियर प्लेयर, त्यांना मेंटॉर करणारे अजून ज्येष्ठ प्लेयर या सर्वांच्या मतीनं ही स्पर्धा अत्यंत क्रुशल आणि चांगल्या स्पर्धात्मक झाली। एवढा मोठा जमाव असतो, खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये ही स्पर्धा बघितली जाते,
त्यामुळे एक चांगला सामाजिक संदेश देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून गेला पाहिजे आणि से नो टू ड्रग्स हा मेसेज या नवी मुंबई प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून संपूर्ण नवी मुंबईत आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये दिला गेला आहे आणि नक्कीच या दिलेल्या मेसेजचं सर्वजण पालन करतील. वेगवेगळे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवलेले आहेत. अजून अशाच प्रकारच्या इतर क्रीडा प्रकारांची देखील अशी स्पर्धा आयोजित करणं ही पुरुषांकरता मुलांकरता ही स्पर्धा होती, मुलींकरता महिलांकरता देखील अशा स्पर्धेचं आयोजन करणं हे देखील उद्दिष्ट आहे आणि ही स्पर्धा अजून आपल्या शहराच्या बाहेर देशाबाहेर देण्याचं देखील एक विचार हा पुढे आलेला आहे. जे जे विचार नवी मुंबई प्रीमियर लीगनी ठरवले ते पूर्ण झाले, त्यामुळे एक खेळाचा दर्जा वाढवणं आणि खेळाडूंना एक वेगळा अनुभव देणं याकरता नक्कीच येणारी स्पर्धा ही आपल्या देशाच्या बाहेर आंतरराष्ट्रीय ठिकाणी खेळली जाईल याकरता आम्ही सगळेजण प्रयत्नशील. वही उन्होंने कहा कि शहर को हेल्दी और स्पोर्ट्स फ्रेंडली सिटी बनाने के लिए विभिन्न खेलों का आयोजन करने का उनका विजन है. आपण जास्तीत जास्त खेळांच्या स्पर्धांचं आयोजन करतो, पूर्ण ग्राउंड्स हे भरलेले असतात, सिनियर मध्यमवयी आणि नवीन खेळाडू हे सर्वजण खेळ खेळतात, यामध्ये खेळ खेळला गेला पाहिजे. जास्त मोबाईलवर कम्प्युटरवर गेम खेळण्यापेक्षा मोबाईल बघण्यापेक्षा हे सगळे लहान मुलं हे युवक ज्येष्ठ नागरिक हे मैदानामध्ये गार्डन्समध्ये आपल्या सगळ्यांना बघायचं आहे आणि हे जर सगळेजण खेळते धावते फिरते राहिले तरच आपलं शहर हे हेल्दी राहील आणि त्याकरता यांना खेळवण्याकरता यांना प्रोत्साहित करण्याकरता अशा प्रकारच्या स्पर्धांचं आयोजन झालं पाहिजे. मोठ्या प्रमाणामध्ये खेळाडूंनी चांगल्या खेळाचं प्रदर्शन केलं पाहिजे, त्यांना बॅकअप केलं पाहिजे, प्रेक्षकांची उपस्थिती पाहिजे आणि मीडियाचं देखील त्यांना कौतुक हवं आहे. तर अशा सर्वच प्रकारचं नवी मुंबई शहर हेल्दी ठेवण्याकरता एक प्रतिकूल एक अनुकूल असं वातावरण या स्पर्धेच्या माध्यमातून नवी मुंबईमध्ये निर्माण झालं आहे आणि नक्कीच हे वाढीत जाईल असा माझा ठाम विश्वास. ब्युरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क.